मृगनैनी शरण जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश महाराज जी, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और इस समय उठने से क्या क्या लाभ होते हैं? उठ के देखो तो पता चल जाएगा। 4 बजे से और 6 बजे तक का जो समय है, भजन के लिए बहुत लाभदायक है। इस समय अगर कोई निद्रा में रहता है तो ब्रह्मचर्य से हीन और कई तरह की मानसिक बीमारियां और शारीरिक अस्वस्थता ये आगे चलकर उसे घेर लेगी। मानसिक बीमारियां, कई तरह से मन डराने लगेगा, कई तरह से मन में ऐसे कुभावनाएं जागृत हो जाएंगी। इसलिए हमारे ब्रह्म ऋषियों ने आज्ञा की है कि 4 बजे से तो उठ ही जाना चाहिए और 4 से 6 के बीच में, मान लो आप 4 से 5 के बीच में सो ही रहे हैं तो आप 5 से 6 के बीच में उठ जाइए। 4 से 6 के बीच के समय में आप उठ करके अपनी भागवतिक दिनचर्या करें। भागवतिक दिनचर्या में जैसे अपने लोग राधावल्लभी हैं तो प्रातः काल उठ करके अपने गुरुजनों का, रसिकों का सुमिरन करें, गुरु मंत्र का जप करें, फिर स्नान आदि करके श्री जी की मंगला, श्री जी को सुंदर पद सुनाना आदि, या अगर उस समय ऐसी भावना है तो 2 घंटे बैठ करके जप करें। मंगल बेला होती है प्रातःकालीन, उस समय शयन तो कभी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, वो अपने लिए परमार्थ और स्वार्थ दोनों की हानि करने वाला है। 4 से 6 के बीच में। महाराज जी, मैं सुबह उठ जाऊंगा, मैंने सोच लिया कि अब मैं ना कल से उठूंगा। अच्छा। तो मैं 1 हफ्ता उठ लूंगा, फिर अच्छा। जैसे मेरे मन के अंदर आएगा ना, नहीं अब मैं ना उठने लग गया, तो फिर अगले दिन है ना वो फिर पूरा ढेर हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं, आपका दृढ़ नियम होना चाहिए। नए बच्चे हो तो अलार्म वाला सिस्टम रख लो, वो जब बजे तो उठ के बैठ जाओ। इसमें आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा, कुछ समय प्रयासरत रहिए, फिर आपका अभ्यास बन जाएगा कि आप उस समय सो ही नहीं सकते। जैसे अभ्यास बन जाए ना तो आप सो ही नहीं सकते, मतलब सो ही नहीं, आपका शरीर राजी ही नहीं होगा बिस्तर में लेटना, वो राजी ही नहीं होगा। तो इसलिए नियम बनाओ और नियम पूर्वक चलो। जब आपको लगे कि आज हम नहीं उठ पाए, उस दिन दंड स्वीकार करो, व्रत रह लो कि आज समय से उठे नहीं, इसलिए आज भोजन नहीं, उपवास कर लो, ठीक है, तो ठीक हो जाओगे। जिस दिन 4 बजे, जो भी आप नियम रखो ये पक्का रखो, और जिस दिन प्रमादवश ना उठो उस दिन बस उपवास कर लो, एक बार थोड़ा फल पा लो, जो कुछ बस रहने दो। मनीराम ठीक होने लगेंगे, भैया अगर ऐसा हुआ तो फिर इसलिए वो सोचेगा घंटा भर की बात, जल्दी उठ जाओ तो चक्कर पाले को मिलेगा, ठीक है।